अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अल्फा रीडिंग। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले ईद उल अज़हा स्पेशल फॉर रीडिंग, जो कि बहुत ही गजब की वाली है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल बताऊँ कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट प्रीसेट करना है और बाकी फेस मूड और फोटो को कट कैसे किया जाए, बैकग्राउंड साथ में मैच कैसे किया जाए, पूरा वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप लोग इस एडिटिंग को देखने के बाद अपनी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो क्या, इंप्रूव हो जाएंगे आप एडिटिंग वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आप लोग पूरा का पूरा डिटेल समझ आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जो लोग भी हुए हमारे एक सब्सक्राइब होने वाले और जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जगह फॉलो कर लोगे, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन जगह फॉलो की और मिलती रहती है। एंड शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस, सबसे पहले ओपन करेंगे मॉडल की फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर, उसके बाद जाएंगे ब्यूटी पे और ब्यूटी पे जाने के बाद हमारे फेस को स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ कर नहीं करेंगे हम लोग, फेस फिक्स करेंगे ताकि हमारा फेस स्मूथ से भी बेटर हो जाए, ठीक है। स्मूथ ये वाला स्मूथ करेंगे हम लोग, वाला स्मूथ नहीं करेंगे, ठीक है। हर बार आप लोग फेस फिक्स यूज़ क्या करो, उसके बाद आपके फोटो में देखना है, फोटो जब जैसे चमक आ जाएगी फेस के ऊपर, ठीक है। ऐसा लगेगा नहीं कि आप लोग ने पिक्सआर्ट से किया है। हर बार आपको यही सजेशन दूंगा कि हर बार आप लोग यही चीज़ यूज़ किया करें अपने फोटो के ऊपर, स्मूथ छोड़कर फेस फिक्स यूज़ किया करें, इतना सा बोलूँगा आपको। बाकी आपको ऊपर आप क्या यूज़ करना है मेरे बोलने के बाद भी, ठीक है। फिर से एक बार करने के बाद अगर आपके फेस को ऊपर से थोड़ा बहुत दाना नहीं जाता है, फिर या फिर आपका फेस ठीक तरह से स्मूथ नहीं होता, आपको दो तीन बार इसी पे आके फिर से स्मूथ करते रहना है, इतनी सी बात है बोलूँगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर से हमारे हाथ के ऊपर जहाँ जहाँ आपको स्मूथ करना है वहाँ पर आप लोग स्मूथ कर लेना बराबर तरीके से, ठीक तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पर से कर लेंगे राइट, ऊपर से स्मूथ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर से राइट, ओके। अब राइट करने के बाद यहाँ पर से कर लेंगे फिर से दोबारा से राइट कर लेंगे और यहाँ पर से हम फोटो को ओपन करें डॉटूल में, अब हमें फोटो को कर लेंगे कट। तो अभी आपको कट करने के लिए डॉटूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और डॉटूल में जाने का आपको इजीली आपको फोटो कट कर लेना हमारे डॉटूल के अंदर से, क्योंकि आप लोग फेस अपना जो फोटो को कट करते हो ना, नॉर्मल फोटो कट मत करना, क्योंकि वहाँ पर से आपकी फोटो की क्वालिटी बहुत ही फट जाती है। तो आप लोग डॉटूल से फोटो कट करना, उसके बाद आपकी फ़ोटो में देखना वही के वही रेजोल्यूशन, इमेज साइज और MB वही रहेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत कम हो सकती है ऊपर नीचे, क्योंकि मोबाइल है ना, तो फोटोशॉप तो नहीं हमारा इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ओपन करेंगे, सेव करने के बाद हमारे फोटो को काटने के बाद हम फोटो को ओपन करेंगे, बैकग्राउंड एक ब्लू बैकग्राउंड है, सारा का सारा बैकग्राउंड PNG स्टॉक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपल आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर से क्लाउड की PNG लेंगे और यहाँ पर से ज़मीन की PNG लेंगे, दो PNG है यहाँ पर से, ठीक है। स्ट्रीट जो है जमीन जो भी बोलते हैं, मट्टी की PNG ले लेंगे जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग क्लाउड की PNG को सबसे पहले ऊपर लगाएंगे या तो फिर नीचे वाले को PNG को यहाँ पर बराबर तरीके से सेट कर लेंगे, आगे पीछे कुछ भी कर लो आपकी मर्जी, ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, ठीक है। उल्टा फुल्टा मत करना, मतलब पहले कौन सा लगाना है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग चाहे तो सारा PNG ऐड कर सकते हैं साथ में, लेकिन हम लोग यहाँ पर टैप करते तो दूसरा PNG क्लिक हो जाता है, फिर तीसरा वाला क्लिक हो जाता है, सही करने जाते तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसके लिए इजीली आराम से करो यार, कोई गाय नहीं है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर से कर लेंगे राइट। अब राइट करने के बाद यहाँ पर से देखिए हम लोग ने कर लिया है राइट, थोड़ा मतलब मूव मतलब थोड़ा मेरा मतलब लैग खा रहा है, बस स्टोरेज फुल हो गया, ठीक है ना गाइस। तो अभी जाएंगे यहाँ पर से ऐड फोटो पे, अब यहाँ पर से जाएंगे ऐड फोटो पे, तो यार क्लिक हो जाए यार, तो सिंपल यहाँ पर से ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे हम लोग। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपका जितना भी जो PNG आपके साइड में आप लोगों जो भी डाउनलोड किया आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम नीचे और एक लिंक रहेगा हाउ टू डाउनलोड माई इमेजेस, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड करना सीख लेना, ठीक है, ताकि हर बार आपको मैसेज ना करना पड़े कहीं पर भी। और यहाँ पर सिंपल एक लेंस फ्लेयर की PNG को लगा लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारे फेस फोटो के ऊपर एक नेचुरल सा लुक आ जाए और बहुत ही गजब का लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद पूरा मैच हुआ है, ठीक है, मर्च वाला इफेक्ट होता है ना भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है ये चीज़। अब यहाँ पर जाएंगे फिर से ऐड फोटो पे, थोड़ा मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है यार, क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो गया है और आप लोगों के लिए वीडियो इतना लंबा बना दिया मैं इस वजह से, और मोबाइल में बहुत कुछ है ना इस वजह से गाइस, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब सिंपल यहाँ पर से जाएंगे ऐड फोटो पर, ऐड फोटो पर जाने के बाद और यहाँ पर से हम लोग गोट की PNG को ले लेंगे, या फिर जो भी हमारे मॉडल की PNG को, यहाँ पर से गोट की PNG को ले लेंगे, बकरा जो हमारा है, ठीक है, उसको ले लेंगे सिंपली। अब यहाँ पर से दोनों को सेट करेंगे, ठीक है। अब आपको सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि देखो दो चीज़ें आपको बराबर क्रिटिसाइज़ करना है, मतलब दोनों को बराबर मैनेज करना है कौन सा किस साइज़ में रहेगा, ठीक है। बड़ा छोटा कुछ भी हुआ तो आपका फ़ोटो बहुत ही गंदा दिखेगा, ठीक है ना गाइस। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, तो हम लोग बराबर तरीके से कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर हमारा थोड़ा हेयर जो है डॉट टूल से गया था, थोड़ा हेयर जो हम लोग छोड़ गया था, क्योंकि हमारा वहाँ से हेयर नहीं होता रहा,
तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर से इरेज कर लेंगे इस तरीके से, जैसा मैं कर रहा हूँ। आप लोग फेड इरेज कर लेना, आप लोग फेड आपका बाल जो है फेड इरेज हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से फेड में हार्डनेस वगैरह कम कर देते हैं ताकि हमारा फोटो बैकग्राउंड के साथ में ऐसा लगे कि बैकग्राउंड से रोशनी आ रही है हमारे सर के ऊपर, और ठीक है बराबर तरीके से हमारे फोटो को जो है मर्ज हो जाए, ठीक है रियल लगे। हम लोग बराबर हाथ के पास भी कर लेते हैं पूरा हाफ बॉडी, जिसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों देख लीजिएगा। सिंपली यहाँ पर से इतना करने के बाद हम लोग करेंगे ऊपर से राइट, ठीक है। अब राइट करने के बाद अब फिर से सेट कर लेंगे बराबर तरीके से। सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा आपको। आप लोग जब तक फोटो को सेट करना नहीं सीखोगेगा तब तक आपका फोटो सही नहीं बनेगा। हर चीज़ आपको बराबर तरीके से मैनेज करना होगा, सब कुछ साइज करना होगा, तब जाकर आपका फोटो बेहतर बनेगा और बहुत ही बेटर लगेगा फोटो। फोटो एडिटिंग में जितना ज़्यादा आप लोग टाइम दोगे उतना फोटो आपका अच्छा बनेगा। यही नहीं कि देख लिया वीडियो जाओ फटाफट कर लिया खत्म हो गया हमारी एडिटिंग, ये चीज़ नहीं करना गाइस, ये चीज़ बहुत ही गलत है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दे अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिए हो तो। और यहाँ पर से गोट की पेंज को बराबर तरीके से सेट कर लेंगे हम लोग, जिस तरीके से मैं कर आप लोग बराबर तरीके से कर लेना, ओके। तो बराबर तरीके से कर लेते हैं सेट इसको। देखिए मैं खुद इतना टाइम ले रहा हूँ सेट करने के लिए, तो आप लोग भी अच्छे से टाइम ले लेना, ओके ना गाइस। सेट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी बराबर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि छोटा बड़ा कुछ भी हो गया दोनों में से ऑब्जेक्ट तो फोटो लेने के देने पड़ जाएंगे जितना मेहनत की हम लोग ने, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर से हम लोग ने बराबर तरीके से सेट कर लिया, अब कर लेंगे ऊपर से राइट। अब हमारे फेस के ऊपर देख सकते हैं फेस तो स्मूथ है पर उतना ब्राइट नहीं है, और बैकग्राउंड के साथ में हमारा जो है मॉडल जो है मैच नहीं कर रहा है, और कपड़ा भी जो देख सकते हैं बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है। हम लोग सबको मैच कराएंगे धीरे धीरे यार, देखते रहो बस क्या करना है, जादू करेंगे फोटो के ऊपर। फोटो जब जैसा लगेगा जैसा आपने थंबनेल में देखा वो रियल है, आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। सिंपल यहाँ पर से हम लोग दो तीन पीएनजी को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर शेडो की पीएनजी है, ठीक है, जो बकरा है उसका शेडो उसको ले लेंगे, और यहाँ पर से ये वाली पीएनजी को ले लेंगे नीचे है के, और तीन पीएनजी है चार है तो चारों को ले आएंगे बराबर तरीके से, ओके। तीन चार पीएनजी जो ऐड हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं गोट के बाजू में एक है हमारा जो है परिंदा जो है उड़ रहा है, वो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर ही रहने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। बराबर अपनी जगह पे बैठ गया डायरेक्ट ऐड उड़ के साथ ही। अब यहाँ पर से हम लोग जो शेडो को बराबर लगा देंगे गोट की, ओके। इतना बराबर तरीके से सेट कर लेंगे, और यहाँ पर से ऊपर के जो है ऑब्जेक्ट जितना भी पीएनजी है उसको भी बराबर तरीके से सेट कर लेंगे। इसको लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर से देंगे ब्लेंड स्क्रीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको बड़ा करेंगे पूरा इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग फिट टू स्क्रीन कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पूरा स्क्रीन के ऊपर पूरा बैठा देंगे, ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पर पीएनजी कहाँ गया यार, हाथ लगा रहा हूँ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर सिंपली और भी जो पीएनजी ऊपर मैंने ऐड करके रखा हो तो यहाँ पर क्लिक हो चुका है मेरे हाथ से, और यहाँ पर इसको सिंपली बड़ा कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे करेंगे इसको। और ये बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है, हम लोग इसको ब्लैक नहीं रखना है, हम लोग इसको वाइट कर देंगे ब्लैक से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं तुम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, ब्रांड पे जाएंगे स्क्रीन पे जाएंगे ये वाइट हो चुका है, ठीक है। फोटो में देख सकते हैं अलग सी रोशनी आ चुकी है आजू बाजू में, देख सकते हैं ना गाइस, देख रहे हो ना कि नहीं देख रहे हो, ओके। सिंपली आप यहाँ पर से कर लेंगे फोटो को डन, कर लिया हम लोग ने यहाँ पर से कर लेंगे फोटो को डन ऊपर से राइट पे क्लिक करके, ओके। अब करने के बाद फोटो को डन करने के बाद अब यहाँ पर से हमारा जो है पिक्सार्ट में जो है आधा काम, आधे से ज़्यादा काम जो है हमने पिक्सार्ट में कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फोटो को सेव करना है हमारे गैलरी पे, और बाकी काम जो मैं आपको बताऊंगा लेटरूम और स्नैपचैट के अंदर, ठीक है। पिक्सार्ट हमेशा एडिंग में काम आता है, मतलब फोटो ऐड करना हो या फिर फोटो काटना हो पिक्सार्ट उसके लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर से जाएंगे रोडल पे, और यहाँ पर डीरोड पे क्लिक करेंगे और सेम इमेज कर लेंगे। अब ओपन करेंगे लेटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी फोटो को ऐड करके रखा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फोटो हमारा ऐड है। और यहाँ पर से जाएंगे बैक पे, और बैक पे जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो प्रीसेट है वो प्रीसेट को ले आएंगे, विजय मार इफेक्ट प्रीसेट है, वो प्रीसेट के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपल वहाँ पर डाउनलोड कर लेना, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, आपको वहाँ पर से मैं डायरेक्ट लिंक भेजूंगा गूगल ड्राइव का, ठीक है गाइस। और यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे सेटिंग्स को, यहाँ पर डिटोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर से कर लेंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद हमारा देख सकते हैं फोटो पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो कर रहा है, आप जो फेस के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा येलो हो गया, गोल्डन हो गया। तो हम लोग इसको सेचुरेशन को कम कर लेंगे, सेकंड वाला कलर को ल्यूमिनस को बढ़ा लेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी और सेचुरेशन कम कर लेंगे। सेचुरेशन को ही आपको छेड़छाड़ करना है फर्स्ट सेकंड, अगर आपका फेस के ऊपर जो है कलर पड़ रहा है तो आपका मतलब फर्स्ट या सेकंड कलर ही है शुरुआत के, मिक्स कलर पे ऑरेंज या येलो दोनों में से कुछ भी है तो आप लोग कर लेना। अब इतना करने के बाद हमारा फोटो को ऊपर जैसे बहुत ही अच्छा चमक आ चुका है। अब यहाँ पर बिफोर आफ्टर
अब यहाँ पर से कर लेंगे सेव इमेज हमारे गैलरी पे इसको, ठीक है। शेयर पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे स्नैपचैट पे, फिर जाएंगे सेलेक्ट टू पे, हमारे फेस कपड़े के ऊपर चमक देंगे। यहाँ पर सेंटर साइज इसकी थोड़ी सी छोटी कर लेंगे सेलेक्ट टू में जाने के बाद, और यहाँ पर हमारे फेस के ऊपर HDR इफेक्ट देंगे, जैसे स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे हम लोग, और यहाँ पर से सेचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेंगे या बढ़ा देंगे, तो कम करना ही बेहतर रहेगा। थोड़ी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे और थोड़ी ब्राइटनेस को हाई कर लेंगे, एक पे रखेंगे, और हमारे फेस के ऊपर देख सकते हैं चमक देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो फेस का हमारा जो कपड़ा है, सॉरी फेस बोल रहा था जब से मैं, जो कपड़ा है हमारा वो कैसा, मतलब लाइन जो होती है कपड़े पे वो बराबर दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्टिव में जाना है, जहाँ जहाँ आपको मतलब दिखाना है, मतलब ग्लो करके दिखाना है, लाइन दिखाना है कपड़े के ऊपर, बस आपको स्ट्रक्चर बनाना है और थोड़ा बहुत छेछड़ करना है फोटो के ऊपर, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जैसा आपको लगता है, मतलब आगे पीछे करके देख लेना, जो आपके फोटो के ऊपर इफेक्ट जम रहा है उसी के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है ना गाइस। बस यही सजेशन करूँगा, आप लोग अच्छा फोटो बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से टैग करना एडिट करने के बाद, ताकि मैं भी आपकी फ़ोटो को देखूँ और कमेंट कर सकूँ कि आपका फोटो अच्छा बना है या नहीं बना है। अब सेलेक्टिव में जाएंगे, सेलेक्टिव का ही काम है अभी जितना भी है, आपको सेम टू सेम प्रोसेस वही दोहराना है। फिर से जाएंगे सेलेक्टिव पे, और यहाँ पर से हमारा जो है थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है हाथ के ऊपर साइड में देख सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे स्ट्रक्चर को हाई इस तरीके से, और कर लेंगे हम लोग बराबर स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा फोटो हो चुका है रेडी, तो आप लोग देख सकते हैं जूमिंग करके भी। फिर से जाएंगे हम लोग सेलेक्टिव पे, और यहाँ पर थोड़ा सा हाथ के पास देख सकते हैं गैप है, उधर हम लोग थोड़ी सी जो है स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर से कर लेंगे डन। फिर से जाएंगे सेलेक्टिव पे, अभी सेलेक्टिव का एग्जाम है गाइस, अब फेस को थोड़ा गोल्डन दिख रहा है अभी भी, थोड़ा इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी कम कर लेंगे हम लोग, ताकि थोड़ा सा वाइट हो जाए हमारा फेस, और ब्राइटनेस थोड़ी सी हाई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देख सकते हैं फोटो हमारा बहुत ही गजब का बन चुका है, और यहाँ पर से बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। अब जाएंगे हम लोग फिर से पेंसिल पर, जो ही आपको विग्नेटी का इफेक्ट बताता हूँ, यहाँ पर डबल स्पेस पे सॉरी गलती से क्लिक हो गया, और इसको कर लेंगे कट। फिर से जाएंगे पेंसिल पे, यहाँ पर लेंस फेयर का ऑप्शन है, लेंस ब्लर का, यहाँ पर लेंस को कर लेंगे कम, ट्रांजिशन को कर लेंगे हाई, और यहाँ पर विग्नेट अमाउंट को कर लेंगे हाई, उसको कर लेंगे राइट। अब बैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेट्स पे जाएंगे, यहाँ पर लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे, और नीचे की तरफ हमारा जो है पैर है ना खाली उस पर चला लेंगे, ठीक है। अब कर लेंगे यहाँ पर से राइट, और कर लेंगे फोटो का सेव हमारे गैलरी पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, शेयर करें, जो लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका मूल्य समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।